खबर खाचरोद से। पीडब्ल्यूडी की लापरवाही के कारण किसानों और गांव के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा नुकसान। खाचरोद तहसील में लगने वाले गांव बर्थू से कमठाना मार्ग जो पिछले वर्ष ही पूर्ण हुआ, बर्थू गांव में रोड के मुहाने पर पुलिया का निर्माण किया गया था। इस पुलिया का विरोध गांव के लोगों द्वारा कई बार किया गया था, जिसकी शिकायत देकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को भी समस्या से अवगत कराया और इस पर ग्रामीणों द्वारा पीडब्ल्यूडी वालों बताया गया था कि आपके द्वारा जो पुलिया बनाई जा रही है यहाँ पर पानी नहीं निकल पाएगा। पीडब्ल्यूडी वालों ने गाँव के लोगों की एक भी बात नहीं सुनी, पाइप डालकर पुलिया का निर्माण कर दिया, जिस कारण पिछले वर्ष एक किसान की दो भैंस पाइप में फंसने से मौत हो गई थी। उसके बाद आज रात ही बारिश होने के कारण गांव में पानी घुस गया, जिससे ईश्वर लाल जी पाटीदार के गोडाउन में पानी घुसने से सभी प्याज खराब हो गई। इस पुलिया का निराकरण जल्द से जल्द नहीं हुआ तो ग्रामीण द्वारा आंदोलन किया जाएगा। 50 सालों से जो पानी मकान को टच नहीं हुआ था, वो गठिया पुलिया की वजह से मकान के अंदर घुस गया है, जिसकी वजह से हमारे 10 ट्राली प्याज रखा हुआ था उसमें से 7 से 8 ट्राली बिल्कुल तरह से बिक गया है और ये स्थिति बनी हुई है प्याज की। अब तक प्रशासन की तरफ से कोई भी यहाँ पर मुआवजा करने के लिए कोई नहीं आया है। और पिछली बार भी हमारे चेतराम जी की दो भैंसें उसके अंदर गिरने की वजह से मर गई थी, पाइप के अंदर आने की वजह से। पाइप क्यों माई आया आई गिरी। पीडब्ल्यू की लापरवाही के कारण हमारे ग्राम बर्थून में जो बर्थून से कमठाना रोड पर जो पुलिया बनी, जो 70 साल में कभी गाँव में पानी नहीं घुसा, वो पानी हमारे किसान भाइयों के घर में घुसा। जो आज प्याज कल मंडी में ले गए तो 500-600 रुपये किलो ही बिके हैं, 500-600 रुपये कुंटल बिके। और हम कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन देके आए पर अब आज दिन तक 2 दिन हो गए, अब तक कार्रवाई भी नहीं हुई। हम यही प्रशासन शासन से मांग करते हैं कि स्कूलिया के जल्दी से जल्दी निराकरण करें, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन गाँवजनों द्वारा किया जाएगा। माध्यम से ही स्कूलिया को तोड़वा कर बॉक्स वाली पुलिया बनाई जाएगी। खबर भारतवर्ष के लिए खाचरोद उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।